तो हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। तो बहुत दिनों बाद जो है लगभग 1 महीना होने वाला है और 1 महीने में कोई वीडियो नहीं आई, तो सबसे पहले तो उसके लिए सॉरी। क्यों नहीं आ पाई उसका रीज़न मैं बता दूं कि मेरे पेपर चल रहे थे, तो पहले पेपर के चक्कर में नहीं हो पाया। अब 21 तारीख को पेपर ख़त्म हुए हैं तो गाड़ियों की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, ओनर्स नहीं मिल रहे हैं, और जो शोरूम वोरूम से जो मैंने बात किया तो शोरूम से भी कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो ये था। बाकी आज का जो वीडियो है ये इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि शोरूम से रिकॉल आया है मेरी टाटा एल्ट्रॉस के लिए। मेरे पास टाटा एल्ट्रॉस XT वेरिएंट है जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर और सब आता है। ठीक, तो उसका जो है रिकॉल आया है, तो क्या रिकॉल रहा है, क्यों, अब ये तो वहीं जाके पता चलेगा। तो अभी मैं गाड़ी में ही हूँ और बारिश बहुत हो रही है, तो भैया देखो भाप आप जो है बहुत ज़्यादा जमी है। अभी हमने पोंछा है, अंदर से तो थोड़ा ठीक हुआ है। बाकी सब्सक्राइब करते रहिए चैनल, और कोशिश जारी है कि जल्दी वीडियो मिले आपको। है तो जो है मिलते हैं सर्विस सेंटर पे, आप बताते हैं कि क्या है। ठीक है, काहे ये रिकॉल किया गया है, तो ये वहाँ जाके पूछ के फिर सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि क्या है। तो मिलते हैं सर्विस सेंटर पे। तो उसमें जो रिक्वेस्ट सेंसर जो रिकॉल जो किया गया, तो उसमें जो है जो रिक्वेस्ट सेंसर हम लोगों का होता है जो XT में आता है, XZ में आता है और XZ प्लस में आता है। ठीक है, इन तीन मॉडल्स में जो है आपका रिक्वेस्ट सेंसर आता है, तो वो रिक्वेस्ट सेंसर का अपडेशन है वो पूरा चेंज होगा। ठीक है, जो बूट में पीछे जो बटन दिया हुआ है वो, क्योंकि वो भी रिक्वेस्ट सेंसर से वर्क करता है, जो हम लोगों के पास वो वाली की होती रिमोट वाली सेंट्रल लॉकिंग वाली नहीं, जो XM प्लस हो उसमें आती है वो नहीं, जो प्रॉपर जो टॉप मॉडल वाली की होती है वो वाली, फ़ोटो दिख रही होगी। ठीक है, तो वो चाबी अभी मेरे पास नहीं है, शोरूम वालों के पास है, तो मैं दिखा देता। तो वो जो है पूरा उसमें जो है, तो वो दो ही जगह वर्क करती है आपकी, एक जो फ्रंट का जो राइट डोर है वहाँ पे ड्राइवर साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, और आपका जो है एक मिलता है बूट पे। तो बूट वो दोनों जो बटन है रिक्वेस्ट सेंसर जो है, तो वो चेंज होंगे। अब ये रिकॉल क्यों किया गया है ये नहीं मालूम है, लेकिन वो दोनों चीज़ें चेंज होनी है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से मैं कहूँ तो टाटा सर्विस धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि उसका रीज़न आप सोचिए, 2.5 साल गाड़ी को लॉन्च हुए हो गया है। ठीक है, 2.5 साल गाड़ी को लॉन्च हुए हो गया है, 1.5 साल मुझे होने वाला है। ठीक है, अभी अगस्त में, अगस्त नहीं दिवाली में, हाँ दिवाली में मुझे जो है 1.5 साल हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि मुझे 1.5 साल हो गया है, तो भी कंपनी रिकॉल करके आपका जो भी उसमें इशू है तो वो सब जो है चेंज कर रही है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से मुझे लगता है अच्छी है, और ख़ासकर उन्नाव में थोड़ा सा यहाँ पे जो अपने विपिन भाई हैं तो उनसे थोड़ा सा हम लोगों का अच्छी बनी हुई है, तो जो है अपना गाड़ी का सारा काम भी हो जाता है और कोई टेंशन नहीं है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए यहाँ पे नहीं है, जैसे वो जो अपडेशन वाला है सॉफ्टवेयर अपडेट वाला सिस्टम जो इंफोटेनमेंट में, तो वो मेरा पुराना चल रहा है 12.30 वाला, अभी लेटेस्ट में 15 वाला आ चुका है, लेकिन वो मेरा नहीं हुआ है, उसके लिए मुझे पनकी जाना पड़ेगा, तो इधर टाइम मिल नहीं पा रहा है मुझे, नहीं फादर को टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो बिना पापा के मैं गाड़ी लेके निकलता नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। लेकिन सर्विस अभी तक जो है मैं कहूँ तो मैं संतुष्ट हूँ, मुझे ज़्यादा कोई वो नहीं है। ठीक है, बाकी जो अगर आप उन्नाव में रहते हो, उन्नाव में जो अगर कोई देख रहा है ये वीडियो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करिए, और उससे दूसरों की ही हेल्प होगी। आपके पास कोई भी गाड़ी हो, टाटा की, टियागो, टिगोर, अल्ट्रोज, नेक्सॉन, सफारी, हैरियर, कोई भी हो, हुंडई में अभी नई लॉन्च हुई है, वेन्यू हो गया, i20 हो गई, ये सब हो गई, मारुति में भी अभी नई आ चुकी हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, कोई भी हो आपके पास, हाँ बस आल्टो, वैगन आर, स्विफ्ट, ये सब थोड़ा सा इनके रिव्यू बहुत हैं और इनको कोई मतलब वैसे नहीं देखता है, समझ लीजिए आप कि इनका कोई रिव्यू यूट्यूब पे नहीं देखता होता, तो इसलिए इनका कोई मतलब नहीं है इन इन गाड़ियों का रिव्यू करना। तो उन गाड़ियों का मैं रिव्यू करूँगा जिनसे आपकी हेल्प हो, जो मतलब रिव्यू देखता हो आदमी,
जैसे स्कॉर्पियो है ना, वो अभी नहीं लॉन्च हुई है, तो मैं महिंद्रा में भी मेरी बात चल रही है, लेकिन शोरूम से मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिला नहीं अभी तक। उन्नाव में जितने भी हैं, चाहे टाटा का हो, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं टाटा का जो मैनेजर है उन्नाव में, वो बहुत ही घटिया आदमी है, ठीक है, मुझे नहीं पसंद आया वो। बाकी हुंडई में भी मेरी बात हुई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। महिंद्रा में भी मेरी बात हुई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मारुति में भी वहाँ एरिया है ही नहीं। मारुति का शोरूम जो है इतना छोटा है, कुछ पहले को नहीं, अंदर जो है मतलब चार गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पूरा एरिया भर जाता है, और जो है हाइट भी उसकी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही कंजेस्टेड सा है मारुति का, तो वहाँ तो वीडियो बनाना ही मुश्किल है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ओनर ढूंढूं, ताकि अपना जो है जो भी है तो वो हो जाए। बाकी अभी देखते हैं अंदर क्या है, तो जो भी होता है तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि कितना टाइम लगा, क्या है। अभी बज रहे हैं अपने 4:45, हम जो है 4:30 बजे आए हैं, अभी 15 मिनट हुआ है, तो देखते हैं कितने बजे हम लोग फ्री होते हैं, और बाकी बीच बीच में अपडेट हम देते रहेंगे कि क्या है सिस्टम, ठीक है। तो अब मिलते हैं, आगे मिलते हैं, ठीक है। तो भाई अब बज गए हैं 7:16 हो गए, ठीक है, और अब मैं आया हूँ शोरूम से। तो वो जो मैंने उनसे बात किया था, वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था, नहीं तो मैं बना के आपको दिखाता पूरा, सर्विस सेंटर में अलाउड नहीं होता है ना। तो मैंने एक दो फ़ोटो खींची हैं कि पैनल खोला है और वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाकी पैनल को खोलने में और उसको चेंज करने में, पैनल जो राइट साइड वाला डोर था उसको खोलने में हमको लगा पूरा 1.5 घंटा लगा है, ठीक है। 1.5 घंटा खोल के उसको जो है वो पूरा हैंडल का वो खोल के उसका सेंसर बदलने में पूरा 1.5 घंटा लगा है। बाकी पीछे वाले में 1 घंटा लगा था, ठीक है। तो वो सारी फ़ोटो मैं आगे अटैच कर दूँगा, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पहले भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उसमें, और अब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी अब मैं आ गया हूँ, तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। बाकी मैं फ़ोटो अभी ये बोलने के बाद फ़ोटो सारी मैं अटैच कर दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा कि क्या है, ठीक है। फुल्ली सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बस टाइम थोड़ा लगा, हम लोग 4:30 बजे गए थे और अभी 7:15 हो रहा है, तो बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। ये जानकारी ज़रूरी थी देना, तो जगर आपके पास भी रिकॉल के लिए फ़ोन आता है तो आप करवा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी मतलब आपका ना कोई कॉस्ट पड़नी है ना कुछ है, सब फ्री है, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए, आप बिल्कुल जो है जाके वो करा सकते हैं, तो आप वो करा लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो अगर आप ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहते हैं अपना, तो आप शेयर कर सकते हैं, ये ईमेल आईडी दी आ रही होगी, तो इस पर आप शेयर कर दीजिए, अपनी कार डिटेल शेयर कर दीजिए। कल संडे है तो कल हम मिल भी सकते हैं, जो उन्नाव में है, या कानपुर से उन्नाव, या लखनऊ से कानपुर, या कानपुर से लखनऊ जाते हैं, तो बीच में मेरा उन्नाव पड़ता है, तो बीच में भी हम मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय। आके फोटो देख लीजिएगा।